हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे द प्रिजनर ऑफ शिलोन, जो कि लॉर्ड बायरन की एक पोएम है। लॉर्ड बायरन वॉज द सेंट्रल फिगर इन द लिटरेरी मूवमेंट कॉल्ड रोमांटिसिज्म, और ये रोमांटिसिज्म अराउंड द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी शुरू हुआ था। बायरन अपने पोइटिक स्टाइल्स और रेवोल्यूशनरी नेचर की वजह से जाना जाता है, और ये पोएम एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो कि फ्रांक्वाइस बॉनिवार्ड की लाइफ पे बेस्ड है, उससे इंस्पायर्ड है। फ्रांक्वाइस बॉनिवार्ड जिनेवा स्विट्जरलैंड में वहाँ के सिटीजन्स को ड्यूक चार्ल्स थ्री ऑफ सवॉय के अगेंस्ट इंस्टिगेट करने के आरोप में जेल में थे। ये नैरेटिव पोएम बायरन के एक और रोमांटिक पोएट पीबी शैले के साथ जनेवा में जाने के बाद बायरन ने लिखी, जब उसने जनेवा में बॉनिवार्ड की मोनास्ट्री विजिट की, मोनास्ट्री जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, नंस रहती हैं, तो वहाँ उसने बॉनिवार्ड की हिस्ट्री के बारे में जाना और उसी से इंस्पायर होके ये पोएम लिखी। इसके प्रिफेस में बायरन इसको खुद ही बताता है कि ये कोई फैक्चुअल हिस्ट्री नहीं है, रादर इस पोएम को एक फेबल यानी कि एक सिंबॉलिक काइंड ऑफ पोएम समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड है उनकी लाइफ का वो शो नहीं करती है। एक बात और ध्यान देने के लायक है, जो हमारा नैरेटर है, जो पोएम कहता है, वो बायरन नहीं है बल्कि बॉनिवार्ड है। बायरन ने खुद को उसकी प्लेस पे इमेजिन किया है और ये पोएम कही है। तो एक तरह से ये पोएम एक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग तो हम नहीं कह सकते इसे, क्योंकि इसमें कोई और कैरेक्टर नहीं दिखाया गया जो सुन रहा है उसकी पोएम, तो अकेला बॉनिवार्ड ही बोल रहा है। तो इस तरह से ये एक पोएटिक मोनोलॉग है। तो बॉनिवार्ड अपनी वैल्यूज़ और मॉरल्स की वजह से प्रिजन में कैद कर दिया गया है, जो कि स्विट्जरलैंड में लेक जनेवा के किनारे पे एक डंजियन में है। डंजियन मींस जो ज़मीन के नीचे एक जगह है, गुफा है। नैरेटर बताता है कि वह इसी प्रिजन में बूढ़ा हो गया है, और उसके फादर भी अपनी वैल्यूज़ को ना छोड़ने की वजह से उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और उनके 6 भाइयों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से समझौता नहीं किया, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा। तो ये भी एक तरह के रेवोल्यूशनरीज थे, जिस तरह से बायरन एक रेवोल्यूशनरी है, तो मे बी बायरन अपने आप को इनके साथ रिकग्नाइज करता है। तो जो 6 भाई थे उनमें से 3 जेल के बाहर मारे गए, एक को पब्लिकली जला दिया गया, ही वॉज बर्नड एट द स्टेक, और 2 जेल में डाल दिए गए नैरेटर के साथ, जो कि बाद में मर गए। तो हमारा जो नैरेटर है, प्रिजनर ऑफ शिलोन, सिर्फ वही बचता है एंड में आके। तो ये जो डंजियन है, ये जो जनेवा लेक है, इस सबको हम शिलोन नाम की वे डंजियन है, तो हम अपने नैरेटर को प्रिजनर ऑफ शिलोन कहेंगे। वो अपने 2 भाइयों के साथ इस प्रिजन में डाला गया, और नैरेटर खुद सबसे बड़ा है, इसलिए वह बाकी दोनों को हमेशा खुश रखने और एनकरेज करने की कोशिश करता है। प्रिजन के बारे में बताया गया है कि ये प्लेस लेक जनेवा की सरफेस के नीचे है, और पोएम में उसे लिविंग ग्रेव के साथ भी कंपेयर किया गया है। अब उस डंजियन में, उस जेल में, पोएट के साथ उसके 2 और भाई हैं, और तीनों भाइयों को अलग अलग पिलर्स के साथ चेन्ड किया गया है, बांधा गया है, और इतनी दूर बांधा गया है कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। नैरेटर अपने मिडिल जो ब्रदर है उसके बारे में बताता है कि वो एक हंट्समैन टाइप है, जिसको कि नेचर से और फ्रीडम से बहुत प्यार है, और वह इम्प्रिजन रहना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी होप छोड़ दी कि वो कभी बाहर निकल सकता है, खाना पीना छोड़ दिया, और धीरे धीरे वो मर गया। उसका बहुत शौक लगा हमारे नैरेटर को, अब वो मर गया तो उसे वहीं पे ही बैरी कर दिया गया, दफना दिया गया। अब नैरेटर और उसका यंगेस्ट ब्रदर ही बचा था। उसका यंगेस्ट ब्रदर बहुत ही खूबसूरत, चीयरफुल और पेशेंट भी था, और वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। उससे सब भाइयों को और उसके फादर को बहुत प्यार था, वो बिल्कुल अपनी मदर के जैसा दिखता था, मगर वो भी बहुत देर तक इम्प्रिजनमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाया।
जो नैरेटर है उसने बहुत कोशिश की उसको एनकरेज करने की, उसको चीयर करने की, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूस होता गया और एक दिन वो मर गया। और उसकी मौत के इंसिडेंट को भी पोएम में बताया गया है कि किस तरह पोएट उसे आवाज़ें देता है, वो सुन नहीं पाता, और फिर जब नैरेटर अपनी जंजीरें तुड़ा के उसके पास जाके देखता है तो ही वॉज नो मोर, वो मर चुका होता है। और उसकी मौत के बाद नैरेटर शॉक में चला जाता है, अपनी ज़िंदगी उसको मौत जैसी लगने लगती है। और वो एक सिचुएशन बड़ी खूबसूरती से बयान की गई है कि जब उसको किसी वक्त का होश नहीं रहता कि वो दिन है या रात है या कितनी घड़ियाँ या कितने पल बीत गए, अगर वो दिन है या रात है, वो किस जगह पे है। नैरेटर वॉज लाइक अनकॉन्शियस स्टेट में वो चला जाता है और उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं उसको होश था। मगर फिर अचानक एक बर्ड डंजियन में आता है, वो बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, ब्लू कलर के उसके पंख हैं, और उसके आने से वो फिर से रिवाइव हो जाता है, उसको ज़िंदगी का एहसास होने लगता है। विंडो के बाहर वो बर्ड गाना गाता है और राइट जब नैरेटर उसे सुनता है तो उसे फिर से दुनिया की होश आने लगती है, ब्यूटी और होप के बारे में उसे याद आता है, अपनी ज़िंदगी में वो वापस आ जाता है। और उसे लगता है कि वह बर्ड उसका छोटा भाई है, मगर जब वो बर्ड वापस चला जाता है तो फिर उसे लगता है कि नहीं, ये उसका भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो उसका भाई होता तो वो उसे दोबारा छोड़ के नहीं जा सकता था। अब दोनों भाइयों की जो ग्रेव्स हैं, कब्र हैं, वो अंदर ही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अब जेलर्स का जो बिहेवियर है उसके प्रति बदल गया है, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो हमारे जो प्रिजनर की चेन्स निकाल देते हैं और उसको इजाज़त दे दी जाती है कि वो अंदर ही घूम सकता है। वो ग्रेव्स को बहुत ही पायस मानता है और जब भी उनके पास आता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। लेकिन उसको बाहर देखना है तो वो दीवार में एक फुटलिंग जगह बनाता है ताकि वो विंडो से बाहर देख सके। बाहर देखने पे उसे दिखता है कि वो माउंटेन्स, लेक, रिवर, टाउन, दूर एक आइलैंड है, उस आइलैंड में 3 ट्रीज़ हैं जो उसको लगता है कि हम तीनों भाइयों जैसे ही हैं। लेकिन जैसा वो छोड़ के गया था सब कुछ उसको वैसा ही लगता है। यहाँ एक्चुअली जो बायरन है वो लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया नेचर के थ्रू दिखा रहा है कि कैसे सारी नेचर बिल्कुल आज़ाद है, नदियाँ, बर्ड्स, ब्रीज, लेक्स, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ आज़ाद है, मगर इंसान कैद है, वो प्रिजन में है। अब प्रिजनर को बिल्कुल होश नहीं है कि कितने दिन या कितने साल गुजर गए, उसने होप ही छोड़ दी कि वो कभी बाहर आएगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद कुछ लोग उसको फ्री करने के लिए आ जाते हैं, मगर अब उसे अपनी इम्प्रिजनमेंट से प्यार हो जाता है। अब प्रिजन उसे एक हर्मिटेज लगता है और उसे अपना सेकंड होम लगता है। यहाँ तक कि जेल के सारे स्पाइडर्स और माइस भी उसके फ्रेंड्स हो गए हैं और उसने चेन्स में भी पीसफुली रहना सीख लिया है। अब उसने फ्रीडम भी दुख के साथ एक्सेप्ट कर ली है, मतलब कि उसे अब अपनी इम्प्रिजनमेंट अच्छी लगने लग गई है। तो यहाँ पे जो एक आइडिया दिया हुआ है वो एक्सेप्टेंस का दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि किस तरह से हम अपनी सराउंडिंग्स के साथ हर हालत में एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हमें अपने बिलीव्स और आइडियल्स पे भरोसा है और हमें लगता है कि हमने जो भी किया है वही सही है, जस्टिफाई हम कर सकते हैं अपने आइडियल्स को, तो हम किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, बायरन की उम्र 36 इयर्स थी जब वो दुनिया छोड़ के चला गया, मगर अपनी मौत तक वो इंडिपेंडेंस और लिबर्टी के लिए संघर्ष करता रहा, स्ट्रगल करता रहा। जब वो ग्रीस में था तो ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए टर्की से फाइट कर रहा था। अब उसका कोई ग्रीस से नाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी नेचर, उसका फ्रीडम के प्रति जो प्यार था वो उसको ऐसा करने के लिए इंस्पायर करता था। दुनिया उसको एक रोमांटिक फ्रीडम फाइटर पोइट के रूप में याद करती है, जिसके लिए आज़ादी ही उसकी पहली और आज़ादी ही उसकी आखिरी मंजिल थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।